आज मैं आपके साथ गोभी के दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना तेल के। आप कहोगे बिना तेल का खाना कैसा होता है? बिना तेल का खाना बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ उससे बचा कर रखता है, हमारा वजन है वेट वो भी कंट्रोल में रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं, फैटी लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिना तेल का खाना भी बहुत अच्छा होता है, सिर्फ हमें बनाने आना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए गोभी की दाल, इसमें गोभी है, तुअर दाल है, मसाले हैं, सब है, पर तेल नहीं है। फिर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनती है बिना तेल के गोभी की दाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पर मैंने तुअर की दाल ली हूँ, 250 ग्राम है, और एक गोभी लिया गया है, 100-150 ग्राम इसका वजन होगा। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, गोभी को बारीक बारीक पीस में हम कट कर लेंगे, अच्छे से धो कर बारीक पीस में इसे कट कर लेंगे। देखिए दाल धुल चुकी है, दाल इसमें हम डालेंगे। आप तुअर के दाल की बजाय चने की भी दाल ले सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्लावर बारीक बारीक पीस में, गोभी फ्लावर दोनों कहा जाता है, बारीक पीस में से अच्छे से धोकर कट कर ली हूँ। इसमें 2 ग्लास पानी डालकर 4 सीटी कुकर में हम लगा लेंगे। दाल बॉईल हो चुकी है, 4 सीटी हो गया, इसमें देखिए पूरी तरह से दाल गल गया है। ये देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले में लहसुन है 5 से 6 कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, और एक टमाटर है, इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। बिना तेल का खाना कभी भी जब हमें बनाना हो तो हमें नॉनस्टिक बर्तन का ही यूज़ करना है। नॉनस्टिक बर्तन में खाना चिपकता नहीं है, ये गर्म होने के लिए रखे है। इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। अभी तड़कने लगेगा थोड़े समय में, तब पता चलेगा कि हमारा राई और जीरा भुना जा चुका है। देखिए यहाँ पर राई तड़कने लगी है, इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, और एक प्याज है, छोटे साइज का प्याज ली हूँ, बारीक पीस में कट कर लिए। इसे डालकर हम अच्छे से भुनेंगे। अभी आप कहोगे प्याज जलेगा, नहीं जलता है प्याज। सपोज कभी अगर प्याज जला तो हमें 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करना है, पर जलता नहीं है, इसे बस कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, हाथ रोकना नहीं है, ये जलेगा नहीं और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बिना तेल का खाना बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरे घर में तो ज़्यादातर मैं दाल जब भी बनाती हूँ तो बिना तेल के ही दाल बनती, चाहे जैसी दाल रहने दो, सारी दाल मैं बिना तेल के ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी 1 से 2 मिनट में कलर इसका पूरा चेंज हो जाएगा, बस हमें चलाते रहना है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें अब हम पीसे हुए मसाले डालेंगे, थोड़ा सा प्लेट में पानी डाल लेंगे, मसाला लगा हुआ है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें कुछ मसाले हमें और मिक्स करना है। पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाले में पानी है, अगर आपको लग रहा है कि जैसे मसाला पके नहीं बराबर से, इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। मसाले को 3 से 4 मिनट हमें पकने देना है। ये देखिए इसे 3 से 4 मिनट पकने देना है, अच्छे से मसाला जब पक जाएगा फिर इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। देखिए लग रहा है इसमें हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी जला नहीं है, ना ही प्याज जला है, ये मसाले तो समझ लो पक ही रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे मसाले भी पक चुके हैं, दाल भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है, इसी में दाल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, कुकर में लगा हुआ है,
तीन हरी मिर्ची लंबी चीरी कर लगा ली हूँ यहाँ बीच में से, और एक लाल मिर्ची इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आपको जितना लगे, जितना ठीक ठीक आपको खाना हो उतना आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। देखिए ये मिक्स हो रहा है, अभी बॉईल होगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हो। हरी धनिया डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट हम पकने देंगे। दाल बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अगर एक बार बनाओगे ना तो मैं कहती हूँ आप ऐसे ही दाल बनाओगे, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमको खाना हम खाते हैं टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट में अच्छा रहना चाहिए, हेल्थ में अच्छा रहना चाहिए। ये टेस्ट में भी अच्छा है, हेल्थ में भी अच्छा है, इसलिए आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये दाल बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी 4 से 5 मिनट जब बॉईल हो जाएगा ना तब हम बताएंगे, अभी तो टाइम है थोड़ा। 5 मिनट हो चुका है दाल बॉईल होते, देखिए दाल पूरा अच्छे से देखिए पक गया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब बिना तेल का इतना अच्छा खाना बनता है तो हमें तेल डालने की ज़रूरत ही क्या है। गैस बंद कर दी हूँ, मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए देखिए कितना अच्छा, देखिए मस्त बनाए। देखिए दाल आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए।